जय सच। वेलकम टू मोक्षलैंड। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए टैरो के हिसाब से राशिफल क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक 18th मार्च से लेके 24th मार्च तक के लिए। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए। आप लोगों के जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, आप लोगों को कुछ नए आइडियाज, नए इंस्पिरेशन थॉट्स आने वाले हैं और वो आपको आगे लेके जाएंगे, आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। और दूसरा है कि आप पास्ट की कोई बात याद कर सकते हैं, अपने पुराने दोस्त से मिल जाएंगे अचानक से, या फिर आपका अगर कोई एक्स है, रिलेशनशिप पहले था तो आपका एक्स भी वापस आ सकता है नेक्स्ट वीक, एंड आप पुरानी यादों में खोए रहेंगे और याद करेंगे पुरानी बातों को बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज टॉरस। आप लोगों के लिए बैड न्यूज है, आप लोगों का थोड़ा कुछ लॉस हो सकता है, कुछ हार्ट ब्रेक हो सकता है नेक्स्ट वीक। और आपके लाइफ में लेकिन गुड न्यूज है कि डेफिनेटली आपको कोई और मिलेगा, या अगर आपका लॉस हुआ है कहीं पे बिजनेस में या कहीं पे, तो आपको कोई लाइफ पार्टनर मिलने वाला है या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिलने वाला है नेक्स्ट वीक बहुत जल्दी। जेमिनाय, आपके अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं जो कि काफी टाइम से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो सॉल्व हो जाए, तो नेक्स्ट वीक डेफिनेटली वो सॉल्व होने वाले हैं। और लेकिन रिजल्ट उसका आपके फेवर में शायद नहीं रहने वाला है, ऐसा दिख रहा है मुझे, और आप थोड़ा नेगेटिव रहने वाले हैं, थोड़ा कंफ्यूजन में रहने वाले हैं और आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वीक आप इस दुविधा में रहेंगे और नेक्स्ट वीक आपका जो कोर्ट केसेस अगर थे तो वो सक्सेसफुल आपके लिए नहीं होने वाले हैं। कैंसर, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी नेक्स्ट वीक। अगर आप कोई भी काम कर रहे थे जो आपने नया शुरू किया था या कुछ भी चल रहा था, वो स्टेबल होने वाला है नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में। आपको लगेगा स्टेबिलिटी आ रही है आपके काम में, आपकी लाइफ में, और आपको डेफिनेटली कोई न्यू पार्टनर मिलने वाला है, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उस पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग को एक्सपीरियंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। लियो, बहुत अमेजिंग रीडिंग है आपके लिए, आप लोग बहुत लकी हैं, नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा लक रहेगा आपका और आपके जो भी काम नहीं बन रहे थे वो सब बनेंगे, और आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, और आपका कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट होने जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट या कोई जो भी आपने शुरू किया था वो एक मंजिल पे पहुंचने वाला है और उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आपको मिलने वाला है। वर्गो, आप फैमिली में बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, फैमिली लाइफ आपकी अमेजिंग होगी, आप फैमिली के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं बाहर और बहुत एंजॉय करेंगे, और आप के लिए लकी भी रहने वाला है नेक्स्ट वीक। आप नई नई चीजों के बारे में सोचेंगे और इंस्पायर होंगे, और आप बहुत ही पॉजिटिव, आपके लिए ये नेक्स्ट वीक रहने वाला है, आप खुश रहेंगे, आप डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहेंगे एंड डिवाइन की ब्लेसिंग आप पे बनी रहेगी। लीब्रा, आप लोग कुछ डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, और ऐसा है कि आप जो भी शुरू करेंगे वो आप पूरी ताकत के साथ, पूरी पावर के साथ आगे बढ़ाएंगे उसको, और आपके पास सारी चीजें हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, और वो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और दूसरा, आप काफी क्रिएटिविटी में रहेंगे नेक्स्ट वीक, बहुत क्रिएटिव चीजें आप करने वाले हैं, और आपको कोई मिल भी सकता है जो क्रिएटिव पर्सन हो, जो आपको इंस्पायर करेगा। स्कॉर्पियो,
आप काफी टेंस्ड रहेंगे नेक्स्ट वीक, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहेंगे और आप सो भी नहीं पाएंगे ठीक से। कुछ नेगेटिव आपके थॉट्स जो हैं आपको परेशान करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। थोड़ा किसी फीमेल फिगर्स से हेल्प लें, किसी फीमेल से थोड़ा कंफर्ट लें। आपकी मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को रिलैक्स करें, उनसे बातें करें और किसी फीमेल फिगर के सपोर्ट से आप उनके प्यार से आप थोड़ा काम हो सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं नेक्स्ट वीक। सैजिटेरियस, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे नेक्स्ट वीक। दो रास्ते हैं और आपको दो रास्तों में से एक चूज करना पड़ेगा और आप समझ नहीं पाएंगे आपको क्या करना चाहिए, तो आपको दिल से डिसाइड करना है। और दूसरा, आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं या कोई बच्चा आपको इंस्पायर कर सकता है, और कोई बच्चा अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है नेक्स्ट वीक। और अगर प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं आप तो बिल्कुल हो सकते हैं। केप्रिकॉन, आपके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस रहने वाली है नेक्स्ट वीक, और आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, आपके काम में भी हो सकता है, तो आपको दिल से फैसला लेना होगा कि कौन सी चीज सही है। नहीं तो आप सारी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे और आप किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आप थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड ना रखें, थोड़ा एक्टिव रहें और बहुत ज्यादा आराम के मोड में ना रहें, थोड़ा एक्टिव रहें, पॉजिटिव रहें और अपने काम पे ध्यान देते रहें। अक्वेरियस, आपकी लाइफ में अगर आप कोई फीमेल फिगर से सपोर्ट लेते हैं नेक्स्ट वीक, फाइनेंशियली अगर कुछ सपोर्ट लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई फीमेल फिगर आपको सपोर्ट भी करने आ सकते हैं नेक्स्ट वीक। और कोई ऐसी भी आपको फीमेल मिलेंगी जो आपके लिए बहुत कंसर्न्ड होंगी, आपको बहुत प्यार शो करेंगी, कंसर्न केयर शो करेंगी। कोई ऐसा आपके लाइफ में आने वाला है, या तो आपकी मदर भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। आपको फीमेल फिगर्स का प्यार और सपोर्ट नेक्स्ट वीक बहुत मिलने वाला है। स्पाइसेस, आप थोड़ा फाइनेंशियली कमजोर महसूस करेंगे नेक्स्ट वीक। आपको लगेगा कि आपके फाइनेंसेस ग्रो नहीं कर रहे हैं और अटक गए हैं, और पैसा आपका कहीं अटक सकता है। उसकी वजह से आपको लगेगा कि आप जो फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी खराब हो रही है। लेकिन अगर आप सपोर्ट लेते हैं किसी का और साथ में मिलके किसी के साथ काम करते हैं, किसी का सपोर्ट लेते हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, प्रोफेशनल हो, या फिर कोई ऐसा एक्सपर्ट हो जो आपकी हेल्प कर सके, तो सपोर्ट जरूर लें। सपोर्ट लेने से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। और आपके लिए नेक्स्ट वीक काफी लकी रहने वाला है और आप ब्लेस्ड रहेंगे, और आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीक, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ कंप्लीट होता है सभी राशियों के लिए टैरो के हिसाब से राशिफल नेक्स्ट वीक के लिए। और नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जय सच।